कार से 35 लाख की लूट के मामले में मास्टरमाइंड आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार, 11 लाख की जब्ती, 5 आरोपी फरार। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में व्यापारी की कार से 35 लाख की लूटपाट मामले में दिंडोसी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे अहमदाबाद के उंजा गांव महिसाना रोड से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 11 लाख रुपए बरामद किया गया है। यह सभी आरोपी अहमदाबाद से मुंबई बाइक से आते थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर वापस अहमदाबाद भाग जाते थे। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के रहने वाला है। यह मास्टरमाइंड है जिसको दिल्ली से अहमदाबाद इस वारदात के लिए बुलाया गया था। गैंग के अन्य 5 साथी फरार है। पुलिस डीसीपी सोमनाथ घारगे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार यह आरोपी अहमदाबाद से मुंबई में आकर पहले रेकी करते थे, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर अहमदाबाद भाग जाते थे। समता नगर में हुई लूटपाट की घटना में यह गैंग कुछ दिन पहले मुंबई आया था। मालाट के डायमंड मार्केट में दो लोग रेकी कर रहे थे। जैसे ही शिकायतकर्ता सुनील गुज्जर अपनी सफेद फॉर्च्यूनर कार में पैसों से भरा बैग रखा, इनका दूसरे गैंग के साथी कार का पीछा करते हुए हाईवे पर कार के आगे बाइक लगाकर एक्सीडेंट होने की बात कहकर सुनील गुज्जर को कार से बाहर निकाला। कुछ लोग सुनील से हाथापाई करने लगे। इनके अन्य साथी कार के कांच को तोड़कर पिछली सीट पर रखे 35 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण पडवल और डीसीपी स्क्वाड की टीम सहित समता नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और वहां घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और वारदात से पहले की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें पुलिस ने करीब 25 से ज्यादा लोकेशन पर फुटेज चेक किया। जांच में यह पता चला कि यह गैंग अहमदाबाद के छारा नगर से मुंबई कभी बाइक से और कभी प्राइवेट बस से आते थे। मुंबई में लगातार 2 से 3 वारदात को अंजाम देकर भाग जाते थे। वहीं पैसा लूटने के बाद यह गैंग जुआ खेलता है। घटना के समय गैंग अपने साथ हथियार भी रखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो लूटपाट के दौरान इस्तेमाल करते थे। फिलहाल डिंडोसी पुलिस ने आरोपी पंकज मिश्रा 34 वर्ष को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, जो दिल्ली का रहने वाला है। इसे दिल्ली से खास इस वारदात के लिए बुलाया गया था। वहीं वारदात के बाद पंकज दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले डिंडोसी पुलिस स्टेशन के एपीआई चंद्रकांत घारगे और पुलिस उपनिरीक्षक योगेश कन्हेकर और टीम ने 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार किया है, जिसे समता नगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आगे की जाँच समता नगर पुलिस कर रही है। पेश है मुंबई की यह खास रिपोर्ट। किया गया है आरोपी का बैकग्राउंड कहाँ है, कहां से गिरफ्तार किया गया है और कितने की रिकवरी की गई है बताइए। ये घटना हुई थी 13 दिसंबर के शाम 5:30 बजे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। एक जो यहां का इसमें जो कंप्लेनेंट है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहा था, उसके गाड़ी में 35 लाख रुपए थे। तो ये जो आरोपी है ये एक कॉन्स्पिरेसी करके 3 मोटरसाइकिल पे 2-2 के ग्रुप में वहां आ गए और पीछे से फॉर्च्यूनर को उन्होंने टक्कर मारी और एक्सीडेंट का नाटक करके ये जो कंप्लेनेंट है उनसे क्या है कि 35 लाख रुपया का बैग जो है अंदर से छीन लिया और भाग गए थे। तो ये 6 के 6 आरोपी भाग गए थे। इसमें हमने 4 पार्टीज बनाई थी, सीसीटीवी ऑलमोस्ट 25 जगह के सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखे थे और उसको उसका एनालिसिस किया था, जो मोबाइल एनालिसिस किया था। तो उसके हिसाब से समता नगर की पार्टी और दिंडोशी पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन स्टाफ है वो ये जो एक्यूज्ड है उनको ढूंढ रहे थे। तो ये जो आरोपी है ये अहमदाबाद के पास जो चारा नगर नाम का एक टाउन प्लेस है छोटा सा, वहाँ के आरोपी है। और एक जो आरोपी है, 5 लोग यहाँ से और एक दिल्ली से है जिसको हमने अरेस्ट किया है। तो ये दिल्ली का है और यही जो है वो एक्सपर्ट है। और ये 5 लोगों ने इसको दिल्ली से खास ये जो डेकॉइटी है ये करने के लिए उसको एक अमाउंट देकर उसको लाया गया था। तो उसी को हमने अरेस्ट किया है
और उससे 11 लाख रुपया जो है रिकवर किया है। बाकी जो आरोपी है उनको भी हम ट्रैक कर रहे हैं और चेस कर रहे हैं। तो अब तक इस गुने में 35 जो लाख रुपया का चोरी हुआ था उसमें से 11 लाख रुपया रिकवर हुआ है। ये जो आरोपी हैं इनको कैसे मालूम था? एक साथ नहीं आते हैं, एक 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 करके आते हैं, फिर एक प्लान बनाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि डायमंड मार्केट के यहाँ उन्होंने एक दो लोग वहाँ वेट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इनके पास बैग है और ये जो कंप्लेनेंट है वो वहाँ से निकले थे डायमंड मार्केट से। तो वहाँ से उनको जैसे कि एक पता चला कि एक बैग है, उन्होंने बैग गाड़ी में रखी है तो इसमें पैसा होगा, तो वहीं से उनको फॉलो कर रहे थे और वहीं से आके समतानगर पुलिस स्टेशन के एरिया में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे उन्होंने वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया और 35 लाख रुपए लेके भागे। जैसे कि और मोडस को ये लोगों ने पहले किया है कई और रॉबरी या डकैती, वो जानकारी हम लेंगे, लेकिन ये एक्सपर्ट्स है और इस तरह के गुने करते हैं और यही उनकी मोडस होती है, जैसा कि एक्सीडेंट का नाटक करना और जो कंप्लेनेंट है उसका जो साथी था उसको भी उसी में बिजी रखना, उनको डराना धमकाना। और दूसरा जो दूसरी एक जो जोड़ी होती है वो गाड़ी में से जो है ग्लास फोड़ के बैग निकाल लेती है। जो ग्लास तोड़ा गया था हाथ से तोड़ा गया किसी हथियार का? हथियार का यूज किया था, जैसा कि उनके ये जो छह लोग थे छह में से दो लोगों के हाथ में जो रॉड जैसा हथियार था।